वहीं खबर राजस्थान के पाली से है, जहां जिले में बेकाबू होता कोरोना। बांगड़ अस्पताल प्रशासन ने भी हारी हिम्मत। ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते मरीजों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। मरीजों के परिजन में भी फूट रहा आक्रोश। डॉक्टर मरीजों को लिख रहे हैं एडमिट। मरीज भरे तो ताला बंद कर की कोविड ओपीडी। मरीज और परिजन होते रहे परेशान। प्रदेश सहित जिले भर में कोरोना संक्रमण के मरीजों में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन भी हिम्मत हारने लगा है। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते बाहर से आए मरीजों को इलाज कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे ही नजारा बांगड़ अस्पताल के कोविड ओपीडी के बाहर देखने को मिला, जहां मरीज अपना इलाज कराने के लिए घंटों बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। इसके साथ में आए परिजनों का कहना है कि डॉक्टर को घर पर ही दिखाया और उन्होंने एडमिट करने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने तो एडमिशन फॉर्म दे रहे हैं, ना ही कोई संतुष्ट पूर्ण जवाब दे रहे हैं और से अंदर गेट बंद कर दिया और यह कह रहे हैं कि हमारे पास बेड और ऑक्सीजन नहीं है, जिसके चलते मरीज के साथ आए परिजनों का गुस्सा देखने को मिला। अच्छा, क्या दिक्कत क्या आ रही है इनको? और सांस की और तकलीफ हो रही है। हमने हजारीमल जी के घर पे गए थे, साथ में बोला कि वहाँ बांगड़ में लेके जाओ। बांगड़ में आने के बाद में ना तो कोई दरवाजा खोल रहा है, ना कोई जवाब मिल रहा है। आधे घंटे से इधर उधर घुमा रहे, पहले टोमा वार्ड में गए, फिर इधर आए, कोई जवाब मिल रहा नहीं। फालतू में परेशान कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है और कितने देर से आप यहाँ पे? 3 बजे से खड़ा हूँ। हाँ, और इनका ऑक्सीजन लेवल 78 है, शुगर लेवल 490 है। और हम 3 बजे से खड़े हैं, इन्होंने सिर्फ लिख दिया है उसके ऊपर, लेकिन अंदर नहीं ले रहे। नहीं तो डॉक्टर को दिखा रहे हो, डॉक्टर ने क्या कहा? वो लिख के चला गया और लॉक लगा दिया। अच्छा, अब 3 बजे से आप यहीं हो? कहाँ से है आप? सांडेराव से। क्या दिक्कत है इनको? इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार 3-4 दिन से आ रहा, कम नहीं हो रहा है। हाँ, खाना नहीं खा रहा है। तो ये हॉस्पिटल आए, ये क्या कह रहे हैं? नहीं कर रहे।